पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। चिकित्सक ध्रुव, इनसे मिलिए। ये है हमारे प्रिय मित्र प्रीतम प्यारे। अच्छा, प्रीतम प्यारे कहकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो क्या? तुम्हें पता है ये जो प्रीतम और प्यारे शब्द है ना, वो तुम अपने चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो। अच्छा, इन्हें बताइए प्रीतम प्यारे कि हमारे प्रीतम प्यारे कौन है। खुश? बहुत खुश। मैं ना प्रीतम प्यारे जी, आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। पूछ सकता हूँ? ये जो है ना, जो मेरे लिए मेरी जिंदगी से भी बहुत 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 बढ़कर है, बताइए कौन है? अरे अद्भुत। प्रीतम प्यारे जी, आप तो बहुत समझदार हो। प्रीतम प्यारे जी को ना एक अलग चीज सिखाते हैं। अरे विदेशी भाषा में राजकुमारी जी को जो कहते हैं वो सिखाते हैं ना। तो प्रीतम प्यारे जी, राजकुमारी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसेस। भूकंप के बाद प्रीतम प्यारे को तो हमने भी नहीं देखा था। किससे मिला और यहाँ आया कैसे? ध्रुव जी का नाम लिया, अर्थात हमारा प्रेम ध्रुव जी के लिए सच्चा है। ये परदेशी को देखकर पहचान तो रहा है, केवल उसका नाम ले रहा है। जरूर ये परदेशी की कोई तो कड़ी जुड़ी है वल्लभगढ़ से। ये भाभीसा की ओर देखकर ऐसी ध्वनि क्यों कर रहा है? प्रिंसेस, प्रिंसेस, प्रिंसेस कोई और भाषा है? या वल्लभगढ़ में वहां का कोई औदा है? ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। भाई साहब, आपको ये तोता कहाँ मिला? हाँ मिट्टू जी, आपको तोता नहीं प्रीतम प्यारे ही बुलाएंगे। प्रीतम प्यारे, हम लाए हैं। हम भी हम यात्रा पर गए थे ना, वहाँ कोई बेच रहा था तो हमने ले लिया। कितने प्यारे हैं ना प्रीतम प्यारे। हम भाबोसा को दिखा के आते। हम भी। ये कोई सहयोग नहीं हो सकता ध्रुव। पहले वल्लभगढ़ की पुस्तक, अब प्रीतम प्यारे। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे मान भाईसा के मन में अवश्य ही हमारे प्रति कोई संदेह घर कर गया है। ध्रुव, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये एक संयोग कोड़े। सही कह रहे हो आप बाबूसा, इस तोते ने ध्रुव को पहचान लिया है। इसका अर्थ ध्रुव की कड़ी वल्लभगढ़ से जुड़ी हुई है। सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक शब्द में है, प्रिंसेस। ये तोता बार बार उसे रट रहा है, उसे एक बार इस शब्द का अर्थ पता लग जाए। इसका उत्तर तो मिल जाएगा, पर वो पुस्तक की अदला बदली किसने की? हमें तो लगता है कि वल्लभगढ़ की पुस्तक देवगढ़ की पुस्तक से अदला बदली भी ध्रुव ने की है। अभी महान बनने के लिए उसे जलने से बचा लिया। ये परदेसी ध्रुव तो मारी आंखों में भी खटक रहा है। वो सोचने वाली बात तो ये है मान कि उसने पुस्तक कैसे बदले। कोई तो है महल में जो उनकी सहायता कर रहा है। कौन है वो? अगर ध्रुव के विरुद्ध कोई प्रमाण मिल जाए कि उसका कोई गहरा संबंध है वल्लभगढ़ से और वो कोई गुप्तचर है, तो मीनाक्षी का विवाह ध्रुव के साथ रद्द किया जा सकता है। हाँ, ये
ये आपकी धरोहर। आपने माँ की मदद की किताबों की अदला बदली करने में, क्यों? आप तो देवगढ़ की हैं, कौन हैं आप? सावधान, ज्यादा प्रश्न किए तो बाण चल जाएगा। कुछ भी पूछने से पहले ये बोलकर दिखाई। भालू काला, आलू भूरा, नीला अंगूर, काला लंगूर। भालू काला, आलू भूरा, नीला अंगूर, काला लंगूर। चिकित्सक ध्रुव। राजकुमारी सुकन्या जी, राजकुमारी सुकन्या जी, तुम इतनी बड़ी कब हो गई? आपको याद कर करके। सुकन्या राज्य से बाहर गई थी, वो वापस लौटी तो इन्होंने हमें पहचान लिया और हमारी सहायता करने के लिए हाँ कर दी। राजमाता जी, आप कौन है और हमें कैसे पहचानती है? हम सुकन्या। सुकन्या, सुकन्या जी, आपने वल्लभगढ़ की पुस्तक की जगह देवगढ़ के इतिहास की पुस्तक को चलने के लिए रख दिया, गलत है ना? भले वल्लभगढ़ के इतिहास की किताब की जगह देवगढ़ के इतिहास की किताब चले, है तो गलत ना? आप मुझे खुद बताइए, तो जो भाबूसा कर रही थी उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? चिकित्सक ध्रुव, ये हमारी राजमाता है और ये जो कहेंगी हम वही करेंगे। देवगढ़ के लिए मन में आभार है, परंतु वल्लभगढ़ का अपमान हमें भी असहनीय है। नहीं सुकन्या, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगा। माँ सामने है तो उनके सामने ही तुम्हें मैं समझा रहा हूं। वल्लभगढ़ के बारे में अपमानजनक बातें ना सुनना सही बात है, लेकिन देवगढ़ की भूमि के ऊपर रहकर देवगढ़ को गलत बोलना भी तो सही बात नहीं है ना? इसलिए मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगा। तुम देवगढ़ और वल्लभगढ़ दोनों राज्यों का सम्मान करोगे, समझी? ये ऐसे नहीं समझेंगे, इनको इनके तरीके से बताना पड़ेगा। भालू काला, आलू भूरा, नीला अंगूर, काला लंगूर। राजकुमारी सुकन्या जी, समझ गई आप? एकाना जी, प्रीतम प्यारे ने ध्रुव को पहचान लिया, वो तो अच्छा हुआ कि मैं परदेश की अंग्रेजी भाषा में पुकारा, यदि राजकुमारी कहकर पुकारते तो पता नहीं क्या होता, हमारा सारा भेद खुल जाता। आज तो भाग्य ने बचा लिया, परंतु कल कभी माँ सामने आई और माँ को पहचान लिया, राजमाता या महारानी कहकर पुकारा तो क्या करेंगे? हे गाना जी, हम क्या करें? महाराज, आप चिंतित हैं? आपकी चाल से पता चल जाता है आप कब दुखी हैं, कब खुश, कब चिंतित। शौर्य बणा के साथ होती हैं तो चाल अलग होती है, दरबार में रानी सा बनकर अलग ढंग से चलकर आती हैं, जब यहां से वहां से यहां व्याकुल होकर चलती है तो चिंतित। हमें तो ज्ञात ही नहीं था आप इतने इतने बड़े मनोविज्ञानी हैं कि किसी की चाल देखकर ही उनकी मनोस्थिति समझ लेते हैं। वाह, किसी की भी नहीं, केवल आपकी। इतने वर्ष आपके साथ रहे हैं, इतना तो समझ गए हैं आपको रानी सा, बताइए
क्या चिंता है? चिंता यह है महाराज कि सोना और चांदी ने मीनाक्षी बाई सा को एक तोता उपहार दिया है, परंतु हमें यह लगता है कि यह तोता मांड भाई साहब वल्लभगढ़ से लाए हैं। एक विशेष अद्भुत तोता है, हमारा राजसी तोता है, जो वल्लभगढ़ से जुड़ी हर वस्तु हर व्यक्ति को पहचान लेता है, हमें भी और हमारी माँ को भी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।